हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि व्हाट इज गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और दो एप्लीकेशंस पर भी बात किया था कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बाय यूजिंग गॉस लॉ एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर बाय यूजिंग गॉस लॉ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन चार्ज शीट। थिन चार्ज शीट हम लोग दो तरह का लेते हैं, एक कंडक्टिंग चार्ज शीट लेते हैं और एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट लेते हैं। तो जिस पर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये हमारा नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट। नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट इसको एक और नाम से जानते हैं, और वन लेयर चार्ज शीट। वन लेयर चार्ज शीट, वन लेयर चार्ज शीट क्यों बोलते हैं? दरअसल किसी भी कंडक्टर पर अगर हम कुछ चार्ज रखते हैं तो वो पूरे पूरे उसके होल सरफेस एरिया पर रिसाइड कर जाता है, वो पूरा स्प्रेड कर जाता है। लेकिन अगर आप किसी नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट पर या इंसुलेटर पर अगर आप चार्ज रखते हो तो जिस एरिया में रखेंगे, जिस जगह पर रखेंगे, वो वहीं पर रहेगा, वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये जो अभी हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है, जो चार्ज शीट है वो नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट है, या दूसरे लैंग्वेज में कहो तो वन लेयर चार्ज शीट है। और हमें जैसे सपोज करो कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर पूरे बोर्ड पर चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और उसकी डेंसिटी सिग्मा दे रखा है, और यहाँ से किसी एक्स डिस्टेंस कोई पॉइंट पी है, और इस पी पॉइंट पर पूरे बोर्ड की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ कि गॉस लॉ है क्या, गॉस लॉ का क्या कहना है। तो आपको याद होगा कि आपको बताया गया था कि गॉस लॉ इज़ अ वेरी यूजफुल टूल टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सिंपल कैलकुलेशन ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाता है अगर हम लोग कूलम्स लॉ से फाइंड आउट करते। तो इनका स्टेटमेंट था कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सर्फेस इज इक्वल टू दी नेट चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सर्फेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब टोटल जो भी आपने गॉसियन सर्फेस चूज किया उससे जितना भी नेट फ्लक्स निकलेगा वो इज इक्वल टू होगा क्यू नेट इनक्लोज बाय द गॉसियन सर्फेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहला काम कि हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा, और उसके बाद देखना पड़ेगा कि कितना चार्ज इनक्लोज गया गॉसियन सर्फेस ने डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहला काम कि आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा एक गॉसियन सर्फेस। तो मैं यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सर्फेस चूज कर रहा हूँ। सपोज करो ये कुछ ऐसे, यहाँ से ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, और इसमें आप एरिया वेक्टर ले सकते हो, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा डेल्टा एस, इसका कुछ इधर आप ले सकते हो, नाम दे देते हैं इसका, नाम एक नंबर, दो नंबर, और ये जो कर्व सरफेस है इसका हम लोग ऊपर ले रहे हैं डेल्टा एस थ्री। अब इन सब के वजह से हमें नेट फ्लक्स निकालना पड़ेगा कि कितना फ्लक्स आएगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस, ठीक ना। तो अगर मैं फाई वन की बात करूं तो वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस वन, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो निकल रहा होगा ना कुछ इस तरह से, क्योंकि कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलता है, और निगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ आता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये जो चार्ज डेंसिटीज पर दिया है पॉजिटिव दिया हुआ है, निगेटिव भी हो सकता था, यहाँ पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा होगा, तो यहाँ से भी कुछ इस तरह से निकल रहा होगा। तो आप दोनों को देखो तो इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा इज जीरो डिग्री है। यहाँ पे भी थीटा जीरो, बट यहाँ पर थीटा कितना हो जा रहा है 90 डिग्री इस केस के लिए, क्योंकि एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो फाइ इजिकल टू ई डॉट डेल्टा एस, और यहाँ से लिख सकते ई डेल्टा एस, या हम बोल सकते ई ए। अब मुझे ये एरिया देख लेना चाहिए कि ये एरिया कितना होगा। तो आप देखो कि यहाँ पर जो एरिया आएगा वो यही वाला पोर्शन होगा, ठीक ना। तो ये तो जैसे कि ये हमारा पूरा चार्ज शीट है और यहाँ पर हमने सिलेंडर लिया है, तो यही एरिया आएगा ना। तो इसका रेडियस मैं कुछ मान लेता हूँ, तो ये वाला एरिया आएगा, तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो कितना पाई आर स्क्वायर, आर स्मॉल है तो स्मॉल पाई आर स्क्वायर, तो ये एरिया यहाँ पर आप पुट कर सकते हो, तो ई पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फाई वन आया। नाउ सिमिलरली अगर फाई टू करें तो फिर से ई डॉट डेल्टा एस, और इनके बीच का भी एंगल जीरो है, आप यहाँ देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा ई
पाई आर स्क्वायर, और अगर हम फाई थ्री की बात करें तो वो जीरो हो जाएगा बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री। यहाँ हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और एरिया वेक्टर ऊपर होगा कर्व सरफेस का, ठीक ना। तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, रेडियली आउटवर्ड होगा बेसिकली, तो यहाँ पर आपका थीटा 90 हो जाएगा। अब तीनों फ्लक्स को अगर हम जोड़ दें तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, राइट। करें फाई नेट इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री, और आप जोड़ दो तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ई पाई आर स्क्वायर। ये आपका फाई नेट आ गया, इसको एक नंबर बोल लो, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ का कहना था कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस, ये हमारा गॉसियन सरफेस है जो सिलेंडर लिया, तो फाई नेट इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज बाय दी गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपका जो नेट फ्लक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, टू टाइम्स ई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज बाय दी गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस ने चार्ज इनक्लोज किया होगा, यू नो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, तो अगर यहाँ से हमें चार्ज चाहिए तो आप निकाल सकते हो ना क्यू इज इक्वल टू ए इंटू सिग्मा, तो सिग्मा इंटू जो एरिया इंक्लोज हुआ वो, तो आप लिख सकते हो सिग्मा इंटू ए यानी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो उसने एरिया इंक्लोज किया है तो वो यही वाला एरिया है, ठीक ना। तो इसमें कितना चार्ज होगा, तो सिग्मा इंटू एरिया, तो एरिया इसका कितना पाई आर स्क्वायर, आप उसे मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पाई आर स्क्वायर से कट जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस चार्ज शीट की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है, और एप्सिलॉन क्या है, आपको पता है कि उसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू माइनस 12, तो वो एक कांस्टेंट नंबर है, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप इस वे से अगर इसको फाइंड आउट करोगे तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बट अगर ये कंडक्टिंग चार्ज शीट हो तो उस केस में क्या करेंगे, आप इसको पॉज करो, लिखो और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जल्दी करो। तो सेकेंड केस पर अगर हम लोग बात करें कंडक्टिंग चार्ज, ये कुछ इस तरह से है ना, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी कंडक्टर की खासियत ये होती है कि जैसे उस पर चार्ज रखा जाए तो वो उसके पूरे सरफेस पर आ जाएगा, अंदर में नहीं रहेगा, समझे। जैसे आप चार्ज रखोगे तो वो उसके पूरे पूरे एरिया पर मिलेगा। जैसे ये अगर हमने चार्ज शीट लिया हुआ तो ये एक थीन शीट है, तो इसके ऊपर चार्ज रखेंगे ना तो वो पूरा पूरी इसके सरफेस पर आ जाएगा, तो इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, मतलब दोनों तरफ वो चार्ज दिखेगा। तो अगर हम लोग इसको देखें तो और बेटर वे में हम लोग ऐसे देख पाएंगे, साइड व्यू देखें, मतलब ऐसे हम लोग देख रहे हैं साइड व्यू, ठीक ना। अभी ऐसे देख रहे हैं, अब इसको साइड व्यू से देखा जाए तो साइड व्यू में देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज का दो लेयर हमें दिखाई देगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और इस पर चार्ज डेंसिटी अभी भी वही सिग्मा रखा हुआ है। तो अब आप देखो ये टू लेयर चार्ज हो गया, तो इसलिए कंडक्टिंग चार्ज शीट को हम लोग टू लेयर चार्ज भी बोलते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा कंडक्टिंग चार्ज शीट है, कंडक्टिंग चार्ज शीट या टू लेयर चार्ज, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेयर वन और लेयर टू। और ये कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है और हमें बताना है कि ई एट पी इज व्हाट। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वहाँ पर एक प्लस वन कूलम चार्ज रखते हैं जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, तो आप यहाँ पर प्लस वन कूलम चार्ज रखो तो लेयर वन रिपेल करेगा। तो अगर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी निगेटिव होता तो अट्रैक्ट कर लेता, नहीं इनसाइड होता, लेकिन यहाँ की क्योंकि पॉजिटिव दे रखा है तो बाहर की तरफ बनेगा। तो लेयर वन जो फील्ड बनाएगा वो ई वन होगा, लेयर टू भी रिपेल करेगा वो भी ई टू होगा। तो अगर आप ई नेट देखो तो आप बोल सकते हो ई वन प्लस ई टू, और एक के वजह से सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट अभी आया था, वन लेयर की वजह से सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या लिखोगे, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, नेट कितना आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला किसके वजह से, टू लेयर के वजह से, या आप कहो कंडक्टिंग चार्ज शीट के वजह से। और सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट मिला था किसके वजह से, ये नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट या
वन लेयर चार्ज शीट की वजह से। तो ये सब चीज़ प्लस टू में आपको ड्राइव करने के लिए दे दिया जाता है, और कंपटीशन में भी इसे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन पर हम लोग अगले लेक्चर में फिर बात करेंगे, अच्छे से करना और इसको ध्यान में रखना कैसे कैसे किया गया, ठीक है। और भी एप्लीकेशंस पर हम लोग बात करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।